तो अब हम जो हमारा प्ले है द डांस ऑफ द फॉरेस्ट, उसका पार्ट वन डिस्कस करेंगे। ये जो प्ले है ये यूनिक है क्योंकि ये कंबाइन करता है ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न ड्रामा के। ये एक यूरोपियन प्ले की तरह लिखा गया है क्योंकि अब हम इसमें देखते हैं कि ये नॉन लीनियर तरीके से, यानी इसमें कभी पास्ट में होते, कभी हम प्रेजेंट में होते, फिर एकदम पास्ट में चले जाते हैं, पहले हम फॉरेस्ट में होते, फिर एकदम हम राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। ये जो प्ले है इसमें हम बहुत सारे डिफरेंट तरह के करेक्टर्स देख सकते हैं और यहाँ पर स्टेज डायरेक्शंस दी हुई है बहुत डिटेल तरीके से, जो कि हेल्प करती है एक डायरेक्टर को समझने में कि किस तरह से वो प्ले परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन जो प्ले का नेचर है और जो सरलिज्म है कुछ इवेंट्स के, वो हार्डली ही वेस्टर्न है, जो कि सजेस्ट करता है कि किस तरह की स्टोरी टेलिंग और मिथ्स होते हैं ट्रेडिशनल अफ्रीका में, और इसको एक नैरेटिव की फॉर्म में दिखा रखा है किस चीज़ को, ट्रेडिशन को, अफ्रीका के ट्रेडिशन को, वहाँ के मिथ्स को। तो इस प्ले में हमने देखा कि किस तरह से जो प्लेराइट सोयंका है वो स्टेज करते हैं, हमने देखा कि कैसे वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी जहाँ पर ज़िंदा इंसान है, कैसे उस दुनिया से एकदम हमें वर्ल्ड ऑफ डेड में, यानी जहाँ लोग मरे हुए हैं उसमें हमें ले जाया जाता है। जैसे फॉरेस्ट में ज़िंदा लोग हैं, एकदम हम देखते हैं कि जो डेड पीपल है वो वहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो सोयंका एक थिएट्रिकल स्पेस हमें प्रेजेंट करता है कि एक ऐसी इस तरह से प्ले को स्टेज करता है कि हम एक अब कभी तो जिंदा लोगों के बीच होते हैं, फिर एकदम मरे हुए लोगों की दुनिया में चले जाते हैं, और हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ये बताना चाहता है कि जो सच्चाई है जिंदा लोग और मरे हुए लोगों की, ये अलग नहीं है एक दूसरे से। अब जिस तरीके से डेड मैन और डेड वेमेन ज़मीन के अंदर से निकल के आते हैं और जो वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं जिंदा लोगों से, लेकिन वो डरते हैं और एक डिफरेंस महसूस करते हैं आपस में। अब ये जो डेड मैन और डेड वुमेन इस प्ले में हैं, ना तो ये गोस्ट्स हैं ना ये एंजल्स हैं, तो ये समवेयर लाई करते हैं द वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड द वर्ल्ड ऑफ डेड, इन दोनों के बीच में ये है। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो इन लोगों की ज़िंदगी है, जो डेड मैन और डेड वुमेन की ज़िंदगी है, ना ये ज़िंदा है ना ये मरे हुए हैं, ना ये गोस्ट है ना एंजल है, तो इनकी जो लाइफ है वो अनरिजॉल्वड है, यानी सॉल्व नहीं है। जो प्ले है वो बहुत ही ज़्यादा विचित्र है और ये स्पिरिचुअल पॉइंट्स को इसमें दिखाया गया है। जो डेड मैन और डेड वुमेन है ये सिंबॉलिक है उन लोगों के जिन्हें अपनी प्रीवियस लाइफ में अब्यूज़ किया गया है। जैसे इस लाइफ में डेड मैन और डेड वुमेन को किसने बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया है, रोला डिमोक, एडनेबी और एग्बोरेको ने। तो जो प्ले का आधार है वो इस चीज़ पे टिका हुआ है कि प्रेजेंट टाइम में जो भी रॉन्ग्स या इनजस्टिसेस सफ़र की है लोगों ने पास्ट में, उनसे छुटकारा पा लिया जाए। जो ये कंसेप्शन है कि किस तरह से एग्जिस्टेंस वर्क करती है, डेथ एक अपॉर्चुनिटी है पास्ट के बारे में लिखने के लिए, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक दूसरे के ऊपर लेयर अप है। जो सोयंका है वो माइथोलॉजिकल और सुरल सिनेरियोस को अपने और करेक्टर्स पे यूज़ करता है ताकि वो कमेंट कर सके आज की गवर्नेंस पे जो करप्ट हो चुकी है और ह्यूमंस के एरर पे। तो जब जंगल में फोर मॉर्टल्स आते हैं वुड्स को क्लियर करने के लिए, जब वहाँ से डेड मैन और डेड वुमेन जा चुके होते हैं, तो ओबेनेजी जो होता है वो एक स्टोरी सुनाता है एक पॉलिटिशियन के बारे में जिसने ब्राइब ली थी ताकि एक जो लॉरी थी उसमें सिर्फ 40 पैसेंजर्स ही आ सकते थे, तो उसने ब्राइब ली थी और उस लॉरी में 65 और 70 पैसेंजर्स को से भर दी वो लॉरी, जिससे उस लॉरी में आग लग गई, ओनली 5 ही लोग थे जो उससे बच सके। तो जो ओबेनेजी है वो जानना चाहता है कि इस जिसने ब्राइब ली थी वो कौन इंसान है, लेकिन जो एडनबी है उसके बारे में बताया गया था वो डिफेंसिव हो जाता है, और बजाय इसके जानने की किसने आग लगाई थी वो ये देखना चाहता है कि, और वो कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है, और वो इसके ही अपोजिट जो ओबेनेजी है उससे कहता है कि क्या तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों से जो मर गए हैं। तो हम देख सकते हैं जो ज़िंदा लोग हैं, जो मॉर्टल हैं, ये करप्ट हैं, फेलिएबल हैं, गवर्नमेंट में जो मेंबर्स हैं उसी में से ही हैं और ये करप्ट हैं। तो एडनबी को हमने ऐसे देखा कि जो वॉयलेंस हुई थी लोगों के साथ उसको कवर कर रहा है। तो जो ओबेनेजी है जब वो कन्फ्रंट करता है
एडिनेबी को इस फैक्ट को लेके कि ये किस तरीके से ब्राइड को पास करवाया गया, किस तरीके से ब्राइब है वो ली गई। तो जो एडिनेबी है वो ओबनेजी को एक्यूज़ करता है और उसे उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव करता है और वो एक हाइड करता है अपने अंदर की, मतलब वो नहीं चाहता ना कि उसे पता चले कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो ये चीज़ दर्शाती है इस मूवमेंट को, जो रिवील करता है पॉलिटिकल हाइपोक्रेसी को, कि कैसे ही गवर्नमेंट में रहकर वहाँ के लोग ऐसी चीज़ों को छुपाते हैं।